देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संसद का मानसून सत्र सोमवार आज यानी कि 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इसमें मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सत्र के लिए सरकार और विपक्ष तैयारी में जुटे हुए हैं। जिस तरह की तैयारी दोनों ओर से दिख रही है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में वार पलटवार की गूंज सुनाई देगी। आगामी बजट सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक सोमवार को सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने की संभावना है। ये बैठक सोनिया गांधी के आवास पर होगी। आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो सकता है। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। अब सावन के सोमवार को होने वाले महाकाल के विशेष आयोजन के चलते उज्जैन में आज से सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रत्येक सोमवार का अवकाश घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब 2 सितंबर तक सोमवार की जगह रविवार को स्कूल खोला जाएगा। राजस्थान के 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के करीब 700 चिकित्सक शिक्षकों ने आज से सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की है। उन्होंने राज्य सरकार पर 1 अगस्त 2024 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियमों के दायरे में शामिल नहीं करने का विरोध जताया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी के नतीजे जारी कर सकती है। वे कैंडिडेट्स जिन्होंने साल की CUET यूजी की परीक्षा दी है, वे रिलीज होने के बाद रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। कावड़ यात्रा के लिए मेरठ जिले में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बड़ी संख्या में हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए मेरठ और अन्य कई जिलों से गुजरते हैं, जिसमें आज से 2 अगस्त तक रोडवेज बसों का संचालन में बदलाव किया जा रहा है। पाकुड़ में अपनी मांगों को लेकर मनरेगा कर्मी प्रखंड सभागार के समक्ष हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सभी कर्मचारियों ने फैसला किया है कि वो आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बता दें, इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से विभिन्न योजनाओं के कामकाज प्रभावित होंगे। आज से शुरू हो रहे सप्ताह में प्राइमरी मार्केट गुलजार होने वाला है। इसकी वजह है कि 7 नए IPO खुल रहे हैं। ये सभी SME सेगमेंट के हैं। इसके अलावा मेन बोर्ड सेगमेंट में पहले से खुला सनस्टार IPO भी रहेगा, जो कल क्लोज होने जा रहा है। लिस्टिंग की बात करें तो आने वाले सप्ताह में 8 कंपनियां शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करने वाली हैं। बिहार के दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग द्वारा आज दरभंगा स्थित कार्यालय परिसर में विशेष तौर से युवाओं के लिए कैंप लगाया जा रहा है, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य है शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना। इस जॉब कैंप के अंतर्गत रेगुलर फील्ड एग्जीक्यूटिव माइल एजेंट के लिए 43 पदों पर भर्ती है, जिसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 से 16,000 रुपए तक की प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज विदर्भ, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना जताई है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नजर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1947 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। आज ही के दिन सन 1949 में प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ तथा 17वीं लोकसभा की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1933 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2009 में सूर्य ग्रहण 29वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण था। आज ही के दिन सन 2004 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली बेटी विलियम्स मेक्सिको में गिरफ्तार हुई थी। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।